अस्सलाम वालेकुम। पिछले 6 साल से मैं और हॉस्पिटल्स और बीमारियां और कैंसर से रिलेटेड सारे मसाइल। अभी भी सेकंड कीमो नहीं हो सकी है और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया था कि पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। एक बात जो मैं इस दरमियान में अक्सर सोचती रही हूँ, क्या बेहतर हो कि अब की गवर्नमेंट भी कुछ सोचे और पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे, स्पेशली आर्टिस्ट या फन से रिलेटेड, फन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को सोचना चाहिए। मैंने जब ज्वाइन किया था पीटीवी तो हमें जो रीप्ले होते थे, दोबारा चलते थे प्लेज, उन पे एक रॉयल्टी मिलती थी। दुगो वो अमाउंट बहुत कम होता था लेकिन सेकंड थर्ड यू नो कुछ ना कुछ मिलता था और अच्छा लगता था, बुरा नहीं लगता था वो पैसे। इतने सालों से बीमार होकर मैं पड़ी हुई हूँ, 6 साल हो गए मुझे। सबने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मदद की है, प्यार किया है, हर तरह से संभाला है मुझे, मैं अकेली थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि काश कैसा कोई सिलसिला होता कि हमारे जो रीरन हो रहे हैं प्ले, आखिरी आखिरी दिनों में जो मैंने अपना लास्ट सीरियल की थी वो भी कुछ 6 दफ़ा, तब से 6 साल में अब तक ऑन एयर आ चुकी है, 6 नहीं तो 4 दफ़ा तो आ चुकी है और बहुत सारे प्लेज रीरन हो रहे हैं। अगर इनका कुछ परसेंट, कुछ अमाउंट जो रीरन का होता था मिलना चाहिए था, मिलता रहता तो मुझ जैसे लोगों को और सहूलत और आसानी हो सकती थी। हो सकता है कुछ लोगों को ना होती हो, लेकिन जब आप बहुत साल काम ना कर रहे हो और कोई सपोर्ट ना हो तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी और डिमांड करूँगी कि इस सिलसिले में कुछ किया जाए, इस मतलब आने वाले वक्त में मुझ जैसे ख़ासतौर पर सीनियर और बीमार आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जिनके लिए काफ़ी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। सो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर काम अगर शुरू हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।